देखो यार, मानो है ना मानो, पर प्रभास ने बाहुबली से जो स्टारडम हासिल किया है वो फिलहाल इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। जहाँ तुम ही सोचो ना, आफ्टर बाहुबली डेफिनेटली प्रभास की पिछली सारी मूवीज डिसअपॉइंटिंग ही रही है, लेकिन फिर भी जब जब लॉर्ड अपनी मूवी को लेकर आने वाले होते हैं तब तब ऑटोमेटिकली ही उसे लेकर मार्केट में इतनी ज्यादा चर्चा शुरू होने लगती है कि कॉमन ऑडियंस भी क्यूरियस और अवेयर हो जाती है कि हाँ, प्रभास की नई पिक्चर आने वाली है, जिसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर ओवरऑल अच्छा ही निकलता है। आई मीन इन्हें ही देख लो, साहो 439 करोड़, राधे श्याम कतई कंडम पिक्चर होने के बावजूद 165 करोड़, एंड द सुप्रीम आदि पुरुष 354 करोड़। भाई ये नंबर्स मजाक नहीं है, एक अच्छी मूवी को इतने भी कमाने में दस्त लग जाते हैं, लेकिन ये है जो है भाई। पर एक चीज बोलू, भले बहुत से लोग मुझसे इस बात पर डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बाहुबली सिर्फ प्रभास की वजह से इतनी बड़ी और यादगार तो बिल्कुल भी नहीं बनी, बल्कि वो SS राजामौली थे जिनकी लार्जर देन लाइफ स्टोरी और टॉप नॉच डायरेक्शन स्टाइल की वजह से इसने वो मुकाम हासिल किया जहां वो अभी है। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से OG प्रभास वही है जिसने अपने चार्म और एक्टिंग की वजह से राजामौली की ही छत्रपति मूवी में इस सीन से आग लगा दी थी, ना कि ये। खैर आई होप कि उनकी आगे आने वाली मूवीज से वो धमाकेदार कमबैक करे, और करना ही पड़ेगा ब्रो, क्योंकि अब आगे आने वाली कल की 2898 AD, संदीप रेड्डी वांगा के साथ आने वाली स्पिरिट और ऑब्वियसली सलार पार्ट 2 से सबको बहुत उम्मीदें है, और उम्मीद लगाना भी जायज इसलिए है क्योंकि इन सभी डायरेक्टर्स ने अपने आप को साबित किया है। अगर ये भी मीडिया एवरेज के उसी ट्रोप में फंस गई जिसमें सलार फंस गई, तो समझ लेना भाई पे कोई तगड़ा काला जादू हो चुका है। यार आपको वीडियो पसंद आया होगा तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता।